बिग बॉस 70 के घर अभी इन दिनों खूब ड्रामा और कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। लगातार ही रहा है एलिमिनेशन के बीच बीते दिन फिर एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया जाना था। बता दें कि लेटेस्ट एपिसोड में शिवानी कुमारी को फिर से मेडिकल रूम में ले जाया गया है क्योंकि उन्हें नॉमिनेशन टास्क के दौरान चंद्रिका दीक्षित का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वह फूट फूट कर रोने लगी। शिवानी चंद्रिका को अपनी करीबी बहन मानती है और वह उनके फैसले से आहत थी। चलिए जानते हैं कि नॉमिनेशन टास्क के दौरान क्या हुआ। दरअसल नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस ने कंटेस्टेंट को दो लोगों को लेटर लिखने के लिए कहा था जिसको वह बचाना चाहते। शिवानी चंद्रिका दीक्षित और सना मकबूल के लेटर लिखा, हालांकि शिवानी को केवल लवकेश कटारिया का लेटर मिला। शिवानी को चंद्रिका की तरफ से लेटर न मिलने के कारण वह गार्डन एरिया में गई और फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि चंद्रिका उसे वह लेटर देगी। बता दें कि जब शिवानी बेकाबू होकर रो रहे थे तो विशाल पांडे और लवकेश कटारिया उन्हें सांत्वना दे रहे थे, जिस पर शिवानी ने उन्हें गले लगाकर लेटर लिखने के लिए आभार व्यक्त किया। जब चंद्रिका बात करने के लिए शिवानी के पास गई तो शिवानी परेशान हो गई और उनसे कहा कि वह उनसे बात ना करे। शिवानी परेशान होते हुए कहा कि उन्होंने बिग बॉस के घर में चंद्रिका को अपनी सबसे करीबी दोस्त माना था और उसने एक लेटर की उम्मीद की थी। चंद्रिका ने बताया कि वो कई वार्निंग्स के बाद भी शिवानी अक्सर कंटेस्टेंट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। बाद में शिवानी जब अकेली बैठी तो खूब रोई तो उनको बेचैनी होने लगी और दरमियान चंद्रिका ने उसको पानी देने और चुप कराने की कोशिश की। इस बीच अरमान ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही लोगों का नाम नॉमिनेशन में आता है सबको चक्कर आने लगता है। अभी शिवानी को सांस लेने में तकलीफ और उल्टी होने लगी। चंद्रिका विशाल और सना मकबूल उनकी मदद के लिए आए और शिवानी को वॉशरूम की ओर ले गए। शिवानी उल्टी करते हुए बेहोश हो गई और फर्श पर गिर पड़ी। इसके बाद उनको मेडिकल रूम ले जाया गया।